किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है, वक्त का लिहाज करना सीखो वरना वक्त तुम्हारा लिहाज नहीं करेगा। एक राजा को राज करते काफी समय हो गया, बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने मित्र देश के राजाओं को सादर आमंत्रित किया और अपने गुरुदेव को भी बुलाया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत और नृत्य पर वे उसे सम्मानित कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई, यानी सुबह की, लगभग सुबह से पहले। नर्तकी ने देखा मेरा तबले वाला ऊंग रहा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा, दंड दे दे। ऐसे में उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा, घणी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण है यू ना कलंक लगाए। देखे लोगों ने कैसे कैसे अर्थ निकाले। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर के तबला बजाने लगा। जब यह दोहा गुरुजी ने सुना तो उन्होंने सारी मोहरे उस नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहा सुनते ही राजकुमारी ने भी अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही राजा के युवराज ने भी अपना मुकुट उतार करके नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत ही अचंभित हो गया, सोचने लगा रात भर से नृत्य चल रहा है पर यह क्या, अचानक एक दोहे से सबके सब अपनी मूल्यवान वस्तुओं को बहुत ही खुश होकर के नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, एक दोहे द्वारा एक सामान्य नर्तकी होकर तुमने सबको लूट लिया। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा इसको नीच नर्तकी मत कहो, यह अब मेरी गुरु बन गई है क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी है। दोहे से यह कह रही है कि मेरी सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा मैं और आखिरी समय में नर्तकी है उसका मुद्रा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहां चला आया। भाई मैं तो चला, यह कहकर के गुरुजी तो अपना कमंडल उठा करके जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, मेरा विवाह नहीं कर रहे हैं। आज रात मैं आपके मावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे बुद्धि दी कि जल्दबाजी न कर, हो सकता है तेरा विवाह कल हो जाए, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। युवराज ने कहा, आज रात मैं आपकी हत्या करने वाला था। युवराज ने कहा, महाराज आप वृद्ध हो चले हैं फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे, मैं आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर के आपको मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने मुझे समझाया कि पगले आज नहीं तो कल, आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है, थोड़ा धैर्य रख। ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया, राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों न मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं, फिर क्या था। उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में बरमाला डालकर अपने पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। राजा सब त्याग के जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना नृत्य बंद करती हूँ, हे प्रभु मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस मैं आज से सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूँगी। यह कहानी नर्तकी और राजा की कहानी नहीं है, यह कहानी है हम सब की। दोस्तों हमारा समय बीतता जा रहा है, बस थोड़ा समय बचा है, इसलिए अपनी मंजिल को पाने के लिए दिन रात एक कर दो। जब तक आराम मत करो जब तक मंजिल नहीं मिल जाए।